Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव एक बार फिर नए अंदाज में आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के YouTube चैनल ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज सब्जेक्ट लिखा हुआ है रीजनिंग, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे और आशा करता हूँ आप इसे वीडियो को या हमारी प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, जहाँ तक भी आपकी पहुँच होगी आप उसे सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, इन सभी बातों को रोकते हुए आज हम अपना रीजनिंग का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको नए अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्या अपना भैया रीजनिंग का सेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि भी रीजनिंग का जो सिलेबस वगैरह है सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो रीजनिंग है, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में आने वाला सब्जेक्ट है, चाहे वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी अन्य आयोग का या किसी अन्य स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी अपना रीजनिंग सब्जेक्ट रखा हुआ हमें मिलता है, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों ने रीजनिंग को हवा बना रखा कि यार रीजनिंग ये है, ऐसी वाली रीजनिंग पढ़ेंगे, वैसी वाली रीजनिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो कीड़ा आपके दिमाग में है उसे दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो आप भी जानते हैं कि ये जो रीजनिंग शब्द बना हुआ है ना, ये बेटा रीजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये रीजन से बना हुआ शब्द है, रीजन। और रीजन मतलब होता है कारण। तो हर चीज़ का कोई ना कोई क्या होता है भाई, कारण होता है। वो कारण आप पहचान लो और वही क्या बन जाती है अपनी, यहाँ पर रीजनिंग बन जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो, रीजनिंग को हम जो पढ़ेंगे वो तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इसका जो पहला वाला भाग होगा, ठीक है ना, भाग पहला जो होगा वो अपना होगा यहाँ पर वर्बल रीजनिंग। क्या होगा? वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जितने भी अपने जो टॉपिक हैं जिसमें जो भाषिक तर्क शक्ति जिसका नाम है, मतलब भाषा के आधार पर जिसमें तर्क वितर्क किए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अपना वर्बल रीजनिंग। अगर आप वर्बल रीजनिंग में अगर आप टॉपिक की बात करोगे तो इसमें हमारे बहुत से ऐसे टॉपिक आते हैं, लगभग इसमें आप 24 से 25 टॉपिक पढ़ते हैं। कितने टॉपिक आते हैं इसमें? आपको 24 से 25 टॉपिक इस भाग में पढ़ने हैं। अब 24 से 25 टॉपिक वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आपका अंग्रेजी वर्णमाला आती है। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित मैं मानता हूँ कि आप अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित लगभग 7-8 टॉपिक अपने आते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण जैसे होता है, कभी देता कि भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर का क्रम बाएं से इतना, दाएं से इतना है, तो बताइए कि वो उसके बीच में कितने हैं। इस तरीके से मतलब विभिन्न प्रकार के आते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, जम्बलिंग आती है, डिक्शनरी इसी के अंतर्गत आती है, पेयर फॉर्मेशन इसी में आता है, वर्ड फॉर्मेशन इसी में आता है। तो इस तरीके से करके हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपका घड़ी हुआ, कैलेंडर हुआ, पासा हुआ, घन घनाभ हुआ, ये सारे टॉपिक इसी में आते हैं। दिशा दूरी हुई, रैंकिंग हुई, बैठक व्यवस्था हुई, वो सब इसी में आते हैं, है ना। रक्त संबंध हुआ, वो आपका सब इसी में आने वाला है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा चर्चा हम इस पर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है तो वो अपना नॉन वर्बल रीजनिंग का आता है, NVR, नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब जिसमें हम अभाषिक तर्क शक्ति कह सकते हैं, जिसमें भाषा का बहुत कम और कुछ इमेजेस का प्रयोग ज़्यादा होता है, कोई फिगर का, कोई पिक्चर का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है, तो वो अपने नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं भैया दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, है ना, जल प्रतिबिंब होता है, और ऐसी अपना कागज को मोड़ना, कागज को काटना, या कह सकते हैं उसमें अपनी जो एक आकृति में दूसरी आकृति को ढूंढना, जिसको बोलते हैं आकृति सन्निहित होता है ना, इस प्रकार के अपने टॉपिक इसमें आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। अब इसका जो तीसरा वाला पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वैसे तो, जो आजकल आप पढ़ रहे हैं, तो आजकल आप एग्जाम देख रहे हैं तो उनमें अधिकतर आपका जो तीसरा वाला पार्ट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही बन करके आ रहे हैं,
जिसका नाम है आपका लॉजिकल रीजनिंग। क्या नाम है भैया? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कह सकते हैं या इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब तर्क शक्ति है ये भी, लेकिन लॉजिक इसमें लगाना है किस तरीके से। जैसे आपका न्याय और निगमन हुआ, सिलॉक्स सबसे ज़्यादा यहाँ से आता, ठीक है। और दूसरा कथन निष्कर्ष हुआ, कथन तर्क हुआ, कथन कारण हुआ, और ऐसी भी हो सकते हैं कथन एवं कार्यवाहियाँ हुई, ठीक है ना, कथन एवं पूर्व धारणा हुई। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक आते हैं वो अपना लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एक थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। तो हम जो सबसे पहला अपना शुरू करेंगे, देख लीजिए, मैं अगर आपको एक बात बता दूं कि भी अगर आप देखें कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर जीरो से पढ़कर अगर आप उसकी सारी बातों को जान जाते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो देखिए भाई, मैं आपको ये तो है नहीं कि भी बीच बीच में से पढ़ाने वाला हूँ कि भाई आज जो है मैंने घन पढ़ा दिया, पासा पढ़ा दिया। कुछ लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं ना कि भी आज जो अपने हल्के हल्के टॉपिक है वो हमने पढ़ा लिए और उसके बाद में अपना काम खत्म कर दिया। अगर मैं आज यहाँ पर रीजनिंग शुरू कर रहा हूँ तो रीजनिंग एक दिन यूट्यूब पे खत्म भी करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी को शुरू किया है वर्णमाला से और मैं उसको लास्ट तक साहित्य पढ़ाने के बाद में ही उसको छोड़ूंगा, तो इसी तरीके से मैं आज आपको रीजनिंग शुरू करूँगा तो इसे भी मैं वर्णमाला से शुरू करूँगा और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो लास्ट टॉपिक आगा वहीं तक इसको खत्म करके छोड़ूंगा, ठीक है। और आपका जैसे अगर एग्जाम पास में आते हैं, अभी तो लॉकडाउन के चलते आप कह नहीं सकते कि एग्जाम अभी होगा या नहीं होंगे, है ना। उम्मीद तो ये है कि भी अभी 2-3 महीने तक तो आप एग्जाम को भूल जाइए, है ना, केवल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको शुरू से शुरू करके आपको अंत तक पहुँचाऊँगा और इसकी छोटी से छोटी बातों को आपसे रूबरू जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए भाई, तो जैसे कि आज पढ़ने वाले हम क्या भैया, कौन सा भाई? वर्बल रीजनिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैसी बात होगी ये? बिल्कुल आश्चर्यचकित वाली बात होगी कि भाई ये तो हिंदी पढ़ा रहे थे लेकिन ये रीजनिंग में कैसे कूद पड़े। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, आप पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक। चलिए भाई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो अल्फाबेटिकल वाला रहेगा, जिसमें हम कह सकते हैं वर्णमाला रहेगी। क्या रहेगी भैया? वर्णमाला रहने वाली है, ठीक, वर्णमाला। अब देखो, वर्णमाला मतलब अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब हिंदी की वर्णमाला से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बेशक मैंने ये हिंदी में लिख दिया, आप ये मत सोचना कि हिंदी की वर्णमाला ही शुरू हो गई, हिंदी की वर्णमाला नहीं होगी, बल्कि अपनी जो रीजनिंग है इसमें केवल अंग्रेजी की वर्णमाला का खेल है। किसका खेल है? अंग्रेजी की वर्णमाला का खेल इसमें है। अगर हम यहाँ पर देखें, क्या देखेंगे भाई, कि अगर हम इससे संबंधित अगर टॉपिक अगर देखें तो इससे संबंधित टॉपिक अपने बाल आते हैं कि जो वर्णमाला की जो श्रृंखला चलती है, कह सकते हैं हम अल्फाबेटिकल जो सीरीज चलती है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित अपनी जो श्रृंखला होगी वो हम इसमें पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम श्रृंखला इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। श्रृंखला पढ़ने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या भी, जिसको हम कहते हैं संकेतबद्धता, है ना। हिंदी में संकेतबद्धता कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, ठीक। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, दूसरा संकेतबद्धता। और तीसरा जो टॉपिक इसमें होगा अपना भैया, वो होगा जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पेयर फॉर्मेशन और हिंदी में आप कहते हैं युग्म निर्धारण, जिसमें आप पेयर ढूंढते हैं, युग मतलब जोड़ा ढूंढते हैं, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब जैसे कि शब्दकोश, आपको हिंदी में मैंने बताऊंगा ना, उसी तरीके से अंग्रेजी का भी अपना एक शब्दकोश होता है और ये इतना इजी होता है कि आप देखते हैं क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर जब भी आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। डिक्शनरी जो होता है, शब्दकोश जो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम शब्दों का निर्माण करेंगे, कुछ शब्द दे देगा, उनमें से कोई एक ऐसे शब्द को बोलेगा कि भैया इसमें से ये वाला अक्षर, ये वाला अक्षर, ये वाला अक्षर आप निकाल लीजिए और उससे आप कोई शब्द बनाइए, है ना। शब्द बनता है कि नहीं शब्द बनता, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, कितने अर्थपूर्ण बन सकते हैं, एक बार एक अक्षर का प्रयोग करते हुए ऐसे कितने अक्षर बन सकते हैं, इन सब बातों का इसमें जिक्र होगा अपनी पूरी वर्णमाला में, है ना। और लास्ट में आएगा जंबलिंग। लास्ट में क्या आएगा अपना? जंबलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो वर्णमाला की मैं आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको यहां पर देने वाला हूं। आप ये मत सोचना कि ये तो हमें आता है। कोई भी चीज अगर आप देखेंगे
तो वो अगर आपको आती है और आप उसको अगर दोबारा भी पढ़ेंगे तो उसमें सुधार ही होगा। ये नहीं कि वो आपको नुकसान दे जाएगी या ये वो रिएक्शन कर जाएगी, है ना, जैसे कि दवाई गलत खा लेते तो वो रिएक्शन कर जाती है। अगर आप उसको कितनी बार भी पढ़िए उसमें निखार ही आएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश आपसे ये रहने वाली है, ये आशा आपसे रहने वाली है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको वर्णमाला के बारे में जितने भी फैक्ट बताऊंगा आप उसको हो सकता है कि भी वीडियो के अंत में नोट करें या तो उसको दोबारा देखें, जैसे भी, ये तो आपके पास सदा के लिए रहने वाली है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो वर्णमाला हिंदी की हो या वर्णमाला अंग्रेजी की हो, लेकिन हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर जो रीजनिंग में जो खेल होगा वो केवल अंग्रेजी वर्णमाला का होगा और अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं उन्हीं का खेल होगा। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो प्रकार के लेटर हैं, है ना, एक जैसे स्वर हैं और एक जैसे कौन से दूसरे व्यंजन। तो हम यहाँ पर जो उनको पढ़ेंगे, ठीक है, हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम जो उनको स्वर बोलेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हम हिंदी में उसको स्वर बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं भैया, आपको वोवेल्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं। तो अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं वो आपके पांच स्वर होते हैं, ठीक है, पांच स्वर होते हैं। और दूसरा ये जो व्यंजन होते हैं, ये जो आपका व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं आपके, 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन कितने होंगे भैया, तो व्यंजन होंगे आपके 21 और जो स्वर होंगे वो कितने होंगे आपके, पांच, ठीक। स्वर कौन से होंगे तो आप जानते हैं भाई, ए ई आई ओ यू, ये जो है अपने क्या होंगे भाई, ये पांच अपने स्वर होंगे और इनको छोड़कर जितने भी रह गए 21 वो अपने क्या होंगे भाई, व्यंजन होंगे। कैसे कह सकते हैं भाई, हम बी सी और डी, इसमें आ गया है ना एफ, डॉट 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 करके जो भी आएंगे वो सारे अपने जेड तक जाएंगे और वो अपने क्या कहलाएंगे भाई, व्यंजन कहलाएंगे, है ना। स्वर अपने ये आ गए, इन पांच को निकाल दीजिए, बाकी बचे क्या होंगे, व्यंजन होंगे। ये अपनी वर्णमाला में इन वर्णों का खेल होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको साफ करता हूं मैं, ये अपने वर्ण पढ़ेंगे। अब देखिए भाई, ये जो अपने वर्ण है, ये जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में जो अपने वर्ण है, ठीक है ना, मैं इसको चाहूं तो लगातार लिखेंगे हम, और लगातार लिखने के बाद अगर देखें तो हमने अपनी पूरी वर्णमाला को, पूरी वर्णमाला, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, जैसे 26 लेटर्स इसमें हैं, 26 वर्ण इसमें है, तो हमने अपनी इस वर्णमाला को दो भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा हुआ। पहला वाला जो भाग है, जिसको हम कह सकते हैं, इसको पूर्वार्ध भी बोलते हैं या आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट हाफ भी बोलते हैं, और हम इसको प्रथम अर्धांश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, ठीक है ना। अब ये जो प्रथम अर्धांश है इसमें कितने लेटर हैं भैया, तो इसमें अपने 13 लेटर हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं तो दूसरे में अपने कितने, दूसरा जो होगा वो द्वितीय अर्धांश के नाम से होगा, है ना, किसके नाम से होगा, द्वितीय अर्धांश के नाम से होगा। और इस द्वितीय अर्धांश में भी कितने लेटर होंगे, तो द्वितीय अर्धांश में भी आपके 13 लेटर ही होंगे, ठीक है। अब इस प्रथम अर्धांश में कहां से शुरू होंगे, तो भाई इसमें तो अपने शुरू से शुरू होंगे ना, तो इसमें जो होंगे वो ए से लेकर अपने एम तक रहने वाले हैं। ए से लेकर एम तक जो लेटर आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी करके एम तक जो होता है, तो वो अपना प्रथम अर्धांश होता है। और जो द्वितीय अर्धांश शुरू होता है वो एन से लेकर जेड तक होता है, ठीक है भाई, एन से लेकर जेड तक होता है अपना द्वितीय अर्धांश, सेकेंड हाफ जो होता है ना। तो 13 लेटर इसमें होते हैं और 13 ही लेटर अपने इसमें होते हैं, ठीक है ना। बोलो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर, दो अर्धांश होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब दूसरी बात इसमें आती है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अपनी अंग्रेजी जो वर्णमाला है, इसमें दो ही क्रम होते हैं, ऑर्डर जो की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम क्रम की अगर बात करें भाई, क्रम की, किसकी बात करें, अगर हम इसमें क्रम की अगर बात करें भाई, क्रम बताओ कितने होते हैं, तो इसके जो क्रम होते हैं, तो क्रम भी इसमें दो क्रम होते हैं। क्रम भी कितने होते हैं भाई, दो क्रम होते हैं। दो क्रम कौन कौन से होते हैं, पहले क्रम की अगर हम बात करें तो होता है सीधा क्रम। कौन सा क्रम होता है, सीधा क्रम। अब सीधा क्रम का मतलब है आपका जो फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, मतलब कह सकते हैं जो अपना ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं तो वो अपना सीधा क्रम कहलाता है। ए टू जेड जो हम बढ़ते हैं वो अपना क्रम कहलाता है, ठीक है।
अब ए से जेड की तरफ जाएं, या हम कह सकते हैं बाएं से दाएं की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो अपना कौन सा क्रम कहलाता है? सीधा क्रम कहलाता है, मतलब आपका फॉरवर्ड ऑर्डर वो कहलाता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, दूसरा जो इसमें क्रम होता है तो वो अपना विपरीत क्रम होता है। कौन सा होता है? विपरीत क्रम होता है, ठीक है भाई। दूसरा विपरीत क्रम होता है, विपरीत मतलब उल्टा, या कह सकते हैं बैकवर्ड ऑर्डर। क्या कह सकते हैं? बैकवर्ड ऑर्डर हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो चलेगा वो जेड से ए की तरफ चलेगा। कैसे चलेगा भाई? जेड से ए की तरफ चलेगा, जेड से ए की तरफ, ठीक। जेड से ए की तरफ कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई ये जो विपरीत क्रम होता है ये दाएं से बाएं की तरफ चलता है, दाएं से बाएं की तरफ चलता है विपरीत ऑर्डर। हम इसको इस साइन से दर्शा सकते हैं और इसको इस साइन से दर्शा सकते हैं। सीधा क्रम ए से जेड की तरफ चलेगा, विपरीत क्रम जेड से ए की तरफ चलेगा। बोलो यहां तक समझ में आया भाई? आ गया ना? चलिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ो और ये मत सोचना कि हमें कुछ कम मिलेगा, इतना मिलेगा। जीरो से पढ़ा रहा हूं, आप ये कोशिश बिल्कुल मत करना कि ये तो हमें आती पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन सभी का भी ध्यान रख रहा हूं जिसने आज तक रीजनिंग पढ़ी नहीं है, जो इस क्षेत्र में नए आने वाले हैं, मतलब अपने कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में नए अपने को उभर करके आने वाले जो चेहरे हैं, जो इंटर वाले आएंगे अब, तो उनके लिए भी बिल्कुल यूजफुल होगा और आपको भी इसमें नई चीजें जानने के लिए मिलेगी। आप सब्र रखिए थोड़ा सा, मैं इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, है ना। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको ना बताऊंगा। तो हमने बात कर ली भी क्रम की, किसकी बात कर ली? हमने क्रम की बात कर ली, ठीक। अब बात आते हैं भाई इसकी स्थिति की, बात हम करते हैं पोजिशन की करते हैं। जितने भी अपने लेटर होते हैं इनकी जो पोजिशन होती है वो पोजिशन कैसे पता लगाते हैं ना, मतलब इसकी स्थिति की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्थिति की हम बात इसमें करेंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी प्रत्येक लेटर की, है ना। आप जानते हैं कि अभी जैसे दो क्रम हुए, तो एक तो सीधा क्रम हुआ और एक विपरीत क्रम हुआ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपने यहां पर लेटर्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए से जेड या जेड से ए, तो उनमें से ना प्रत्येक लेटर के दो स्थिति होती है। दो स्थिति होंगी, दो स्थिति कौन सी होंगी? एक तो अपनी स्थिति होगी सीधे क्रम में, है ना, सीधे क्रम में कह सकते हैं भैया, बाएं से दाएं के क्रम में, और जो दूसरी स्थिति होगी वो विपरीत क्रम में होगी, या हम कह सकते हैं दाएं से बाएं के क्रम में होगी। तो जल्दी से मैं यहां से एबीसीडी लिखता हूं और आप भी इसको लिख लीजिए, और आपको ये एबीसीडी बिल्कुल याद करनी है, और ये मत सोचना कि एबीसीडी हमें तो याद है, आपको इनके ऑर्डर मतलब इनका जो क्रम है, जो संख्या, जो इनकी स्थिति है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए इसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और दो चार पॉइंट मैं आपको बताऊंगा भी, है ना। जैसे जैसे भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ना, हाँ, एच आई जे के एल एम, तो ये होगा अपना, तो ये एक अर्धांश तो इसमें अपना हो गया ये वाला, है ना, एक अर्धांश अपना ये हो गया। अगर हम इतने की ही स्थिति की अगर हम बात करें, तो इसके क्रम की बात करेंगे, तो ये नंबर एक दो तीन चार पाँच हो गया, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह, ये इनकी स्थिति होगी, इनकी पोजीशन हो गई, ठीक है ना। दूसरा, अब M से आगे चलते हैं, M N O P Q R S T U B W X Y और ये Z, ठीक है। A से Z ही हमें रहना है, 13 तक वहां पहुंचे तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 ही लेटर हैं, 26 ही अपनी इसकी पोजीशन होंगी। तो ये आपको याद करने हैं, अपने इनके क्रम से बिल्कुल याद करने हैं कि ए की पोजीशन क्या है भाई, एक है। अब ये जो इनकी स्थिति है ये बाएं से दाएं की है, कौन सी स्थिति है? बाएं से दाएं की स्थिति है, लेफ्ट टू राइट है। कैसा है? लेफ्ट टू राइट। अब आप ये सोचेंगे
कि भैया इनका बायां दायां कौन सा होता है ना। तो देखो इनका बायां दायां हमें नहीं देखना, हमें केवल अपना बायां दायां देखना है। अपना जो बायां है वो इनका बायां है, अपना जो दायां है वो इनका क्या होगा भैया दायां, है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं इस तरीके से अगर खड़ा हो जाता हूं ऐसे करके, है ना, तो ये मेरा कौन सा हाथ है भैया, ये दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। तो मैं अगर अपने अपने बाएं की बात करूं या इसकी बात करूं बाएं की, तो ये वाले जो लेटर होंगे ये मेरे बाएं हैं और ये बाएं लेटर ही होते हैं, ये मेरे दाएं हैं तो ये दाएं लेटर होंगे, है ना। तो हम कह देंगे अगर हम ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं, ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ए बी सी ये वाले हम क्रम इधर इसे अपनाते, इस तरीके से वाला क्रम अपनाते हैं, तो ये क्रम आपका कहलाता है बाई ओर से दाई ओर बढ़ना, मतलब कि सीधे क्रम में जाना, बाई ओर से दाई ओर की तरफ बढ़ना। अगर हम बात करेंगे कि भी हम जब जेड से शुरू करेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, है ना, इस तरीके से शुरू करेंगे, तो ये अपना हो गया विपरीत क्रम। और विपरीत क्रम में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये होता है दाई ओर से बाई ओर बढ़ना, दाई ओर से बाई ओर बढ़ना। प्रत्येक लेटर की दो स्थिति होंगी, एक तो होगी सीधे क्रम में, मतलब एक स्थिति बाई ओर से होगी और एक स्थिति दाई ओर से होगी। दो स्थिति होंगी, एक स्थिति बाई ओर से होगी और एक स्थिति दाई ओर से होगी। आप इसको किसी भी माध्यम से याद करिए, है ना, जैसे कि कुछ तो आपको याद होंगे, बाकी कुछ को आप याद करिए। एक वो आता है इजोटी, है ना, एक क्या आता है इजोटी आता। अब इजोटी जो शुरू होता है वो 5, 10, 15, 20, 25, ये पांच लेटर मिलकर बनाते हैं इजोटी। कैसे बनाएंगे, देखो इजोटी में आपका ई आ गया तो ये पांच, है ना, उसके बाद में जे आ गया तो 10, उसके बाद में एक मिनट रुकना, क्रम कुछ गलत हो गया क्या, हाँ क्रम गलत हो गया भाई, यहां से हम इसको क्रम को देख लेते हैं। कुछ संख्या डबल लिख दी, डबल लिख दी 14 से शुरू करना, तो सॉरी 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ ये गलत हो गया था, यहाँ तक सही हो गया था, और 20 हुआ, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25 और ये 26। कोई संख्या मिस हो गई थी, वरना हुआ कुछ दिक्कत नहीं थी, है ना, एक संख्या मिस हो गई थी, लास्ट में तो 26 तक पहुँचे थे लेकिन संख्या मिस हो गई थी। तो इजोटी को मैं बता रहा था, तो ई और जे हो गया है ना 5, 10, उसके बाद में आप 15 पर आओगे तो ये ओ हो गया, इजो में है ना 15, और उसके बाद में टी पर जाओगे तो 20, और बाई पर जाओगे तो क्या हो गया भैया अपना ये 25। ए को ए में अगर देखेंगे तो ए का क्रम सभी को याद रहेगा, क्योंकि ए जो है वो अपना पहला लेटर है, सबको याद रहने वाला है ना। अगर आप देखेंगे जेड, जेड अपना अंतिम लेटर है, सबको याद रहेगा, है ना। उसके बाद में इजोटी आप देखो तो ये 5, 10, 15 पे चलेंगी, और अगर आप देखेंगे एक लेटर ये आपको याद आ जाएगा, क्योंकि डी जो है वो ई से पहले आता है और ई का कोड 5 है तो डी का कोड क्या होगा 4 होगा। इसके बाद का एक लेटर आपको याद हो जाएगा 6, जो हमें पता है एफ है किसके बाद आता है, ई के बाद आता है, तो इसलिए 5 के बाद 6 आ जाएगा ना। इसी तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। अगर आप देखेंगे कि भाई जी का कोड, तो जी के कोड को अगर मैं इसे इतना साफ कर दूं, देखो क्या हुआ भाई, 7 ही बन गया, नहीं बना, तो हम कह सकते हैं जो जी का कोड है वो 7 है। एच के कोड को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो आप देखते होंगे तो ये 8 की स्थिति में बनता हुआ आ रहा है ना। आई की स्थिति को अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं इस संख्या को साफ कर दूं तो ये भी आई से नजर आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और जे का कोड आपका इजोटी में मिल जाएगा। के को अगर देखें तो इसमें ये संख्या तो देखो आ ही रही है, जो ये लाइन टेढ़ी थी मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, सीधी कर दिया, इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, सीधी कर दिया, तो ये हो गया किसका कोड भी, के का कोड हो गया। एल को अगर आप देख रहे होंगे तो मैं इसको 12 को अगर ऐसा लिख दूं तो ये देखो एल की स्थिति आ गई कि नहीं, एल की स्थिति आ गई, तो ये जो एल की स्थिति है तो मतलब ये कहीं ना कहीं 12 से रिलेट है। एम को देखेंगे तो एम को मैं इस तरीके से अगर बना दूं ऐसे करके तो देखो ये लगभग 3 सा नजर आ रहा, और 3 सा नजर आने की वजह से इसका कोड क्या हो जाएगा 13। 23 भी अगर आप सोचेंगे 3 से 23 देखें तो 23 जो आएगा वो इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, वो लास्ट में ही आएगा, तो 23 आप जानते किसका होगा भैया, वो W का होगा। और देखो W में भी यही रीजन लगा है, W को भी अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसमें भी लगभग अंत में 3 संख्या आनी है, तो W के लिए 23 और M के लिए 13 आपको याद रखना है। N अगर आप देख लेंगे तो N का कोड क्या होगा भैया, 14 होगा। अगर आपको लिए मैं अगर ये संख्या जो है इसे ऐसे कर दूं, बोलो हो गया नहीं 14,
ये संख्या क्या बन जाएगी, एन की 14 बना दिया मैंने, चार की ये वाली जो लाइन थी ऐसे वाली वो मैंने टेढ़ी कर दी, ओ के लिए इजोटी आ जाएगा, पी के लिए 16, ये जो अपना उल्टा 6 है हम इसको अगर सीधा कर देंगे पी भी बन जाएगा, है ना। इस तरीके से क्यू का 17, आर का 18, एस का क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और टी 420 है, टी 4 क्या है 20, और टी 20 मैच भी देखते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, ये इसमें याद हो जाएगा, यू का 21, वी का 22, बी और 22, वी से वी बोल रहे हैं और वही से 22, एक्स का याद रख सकते हैं हम इसी तरीके से, है ना, और जेड का क्रम याद रख सकते हैं। तो ये वाली बात हमें अपने आप सोचनी है, और जितनी जल्दी हम इसको याद कर लेंगे इतनी अच्छी अपनी ये बात रहेगी। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई भी अपनी इसमें पोजिशन की बात। अभी मैंने आपको बताई कि भैया प्रत्येक लेटर की दो पोजिशन होंगी, एक तो अपनी क्या होगी भैया बाई ओर से होगी, और एक होगी अपना दाई ओर से। एक किधर से होगी, अपनी दाई ओर से होगी। अगर मान लो कि ये तुम सोचो कि भाई हमें तो अपनी एक ही पोजीशन याद रखनी है बाई ओर से, दाई ओर से हमें याद नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि सीधा याद करना इतना आसान होता है, मतलब कि जितना विपरीत होता है उससे थोड़ा आसान होता है सीधा याद करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो विपरीत जो इनकी स्थिति है वो भी निकालने सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मान लो किसी भी लेटर की अगर बाएं से अगर पोजीशन दे रखी है, कहां से पोजीशन दे रखी है, बाईं ओर से उसकी पोजीशन दे रखी है, और आपको वो पोजीशन दाईं ओर से निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, 27 में से उसकी हम पोजीशन को बाईं ओर की जो पोजीशन है वो घटा देंगे और हमारा जो है दाईं ओर से उसकी पोजीशन आ जाएगी। अब आप बात कर रहे होंगे कि हम इसे 27 में से क्यों घटाएंगे, 27 में से क्यों घटाएंगे। तो देखो, अगर हमें किसी की विपरीत स्थिति अगर निकालनी होती है, तो विपरीत स्थिति निकालने का मतलब यह होता है कि जितने भी टोटल होते हैं, जितने भी टोटल होते हैं, तो टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन में से हम उसकी बाईं स्थिति को घटा देंगे, हम उसकी बाईं स्थिति को घटा देंगे, तो हमारी दाईं ओर से जो स्थिति है वो हमें मिल जाएगी। अब टोटल कितने लेटर हैं भाई, तो टोटल लेटर है अपने पास 26, 26 में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा 27। तो इसलिए अगर हम किसी भी लेटर की अगर दाईं ओर से स्थिति निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे 27 में से उसकी बाईं ओर की जो स्थिति है वो घटा देंगे और वो हमें मिल जाएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए करके दिखाता हूं, आप उसी तरीके से और दूसरे क्वेश्चन करिएगा। जैसे अगर भी मैं बोलूंगा कि जो अक्षर अपना बाएं ओर से नवा है, बाएं ओर से क्या है नवा लेटर है, तो जो हम कह सकते हैं बाएं ओर से नवा, तो जो बाएं ओर से नवा लेटर है, तो मतलब नवा लेटर कौन सा होगा अपना आई है, नवा लेटर क्या होगा अपना आई। तो ये जो बाईं ओर से अपना नवा लेटर है, हमें इसकी स्थिति दाईं ओर से निकालनी है, तो दाईं ओर से निकालने का मतलब हमने बताया कि हम उसे 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से किस तरीके से घटाएंगे कि भी 27 माइनस 9 जब कर रहे होंगे तो यहां पे आ रहा होगा 18, क्या हो रहा होगा 18। तो ये पोजिशन किसकी आ जाएगी भाई अपनी, यहां पर 18। तो जो बाईं ओर से नवा लेटर होगा वो दाईं ओर से कौन सा लेटर होगा भैया, वो दाईं ओर से 18वां लेटर होगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं, जो बाईं ओर से नवा लेटर होगा वो दाईं ओर से कौन सा लेटर होगा, वो दाईं ओर से 18वां लेटर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं, जल्दी से बोलो, है ना। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, बाईं ओर से जो नवा है, अब यहां पर हम कर देते हैं खत्म इसको, है ना। देखो, अब मैंने बोला भी बाईं ओर से जो 18वां लेटर है वो दाईं ओर से कौन सा होगा, जो बाईं ओर से 18वां है वो दाईं ओर से कौन सा लेटर होगा, दाईं ओर से कौन सा लेटर होगा। तो दाईं ओर से अगर इसकी स्थिति निकालनी है तो 27 माइनस 18 और बराबर 9। तो कभी भी मतलब ये आंसर आपका गलत नहीं आएगा, इसी तरीके से देखना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अपनी अगर बाईं से स्थिति दे रखी है तो दाईं से हम निकाल लेंगे, 27 में से उसको माइनस करते हैं ना, कि जो 27 में से बाईं वाली पोजीशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास दाईं से वो पोजीशन आ जाएगी। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो आता विपरीत अक्षर आते हैं, अब अगली जो बात हमें पढ़नी है वो विपरीत अक्षर की बात करनी है,
विपरीत अक्षर। तो देखो विपरीत अक्षर की अगर हम बात करनी है, मतलब ऑपोजिट लेटर्स जो अपने होते हैं इनकी हमें बात करनी है, क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ेगी भी। अब देखो क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो एक दूसरे के विपरीत हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो एक दूसरे के विपरीत हैं, उन दोनों की पोजिशन जो है, उन दोनों का जो वर्णमाला क्रमांक है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है जोड़ करके 27। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं भी ए किसके विपरीत होगा भाई, जेड के, और जेड किसके विपरीत होगा, ए के, ठीक है ना। तो यहां पर इसका क्रम देखें एक, और प्लस करने की बात हुई इसका क्रम देखें तो 26, और बराबर क्या हो जाएगा अपना ये भैया 27। तो हम कह सकते हैं जिन दो लेटर्स का सम अगर 27 के बराबर होगा तो वो दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हम कह सकते हैं ए जेड के विपरीत है और जेड ए के विपरीत है। दूसरा देखते हैं, हम देखते भैया क्या एम और एन एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या एम और एन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम कोड अपन का सम कर लेते हैं। एम का कोड 13 और एन का कोड 14, 13 और 14 अगर जोड़ेंगे तो भी 27 ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एम एन के विपरीत है और एन एम के विपरीत है। बोलो विपरीत अक्षर निकालना आ गया आपको, ठीक। अगर आपको ये याद ना भी रहे, हमें याद करनी जरूरत, हमें रटना नहीं, हमें समझना ये क्यों होता है। तो हाँ अगर हमें विपरीत अक्षर अगर निकालना है, जैसे मैं बात करूंगा कि भाई ये बताओ कि भाई डी का विपरीत लेटर क्या होगा, है ना, डी का विपरीत लेटर क्या होगा, जो उल्टा है इसका अक्षर, इसका विपरीत वाला वो क्या होगा। कुछ नहीं करना, हमें 27 में से घटा देना है, किसमें से घटा देना, इसकी पोजीशन को 27 में से घटा देना और काम खत्म। 27 में से घटाएंगे क्या भाई, 27 में से हम इसकी पोजीशन घटा देंगे, इसकी पोजीशन क्या भी है 4, 27 में से अगर 4 घटा रहे होंगे तो 23 आगा, और जो 23 होता है वो क्रम किसका होता है, वो W का होता है, किसका होता है, W का होता है। तो हम ये कह सकते हैं डी डब्ल्यू के क्या है, डी डब्ल्यू के विपरीत है, और W किसके विपरीत है, D के विपरीत है। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक। कुछ विपरीत लेटर को हम याद भी रख सकते हैं, कुछ विपरीत लेटर को हम याद भी रख सकते हैं, जैसे ए जेड अपने याद हो जाएगा, बी वाई अपने याद हो जाएगा, वाई मतलब द्वारा, और ए जेड याद कर लो, या जेड ए याद कर लो, जा के नाम से याद कर लो, है ना। ऐसी अगर देखेंगे हम सी, सी किसके विपरीत होगा, एक्स के विपरीत होगा, सिक्स याद रख सकते हैं, सिक्स तो साउंड तो लगभग मिलता जुलता है, ये डी डब्ल्यू के विपरीत आ गया, है ना, माउंटेन डी यू कह सकते हैं हम। तो माउंटेन डी यू कहने पर एक तो अपना एन और एन माउंटेन में है ना, तो माउंट मन में देखेंगे माउंटेन आ गया और यहां पर डी यू आ गया, तो एम एन के विपरीत और डी डब्ल्यू के विपरीत हो गया, माउंटेन डी यू याद हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर देखेंगे अपना जो यहां पर देखेंगे ई और बी ये विपरीत हैं, ई बी को हम क्या बना सकते हैं, लब में इसको हम जोड़ सकते हैं, लब किसमें जोड़ सकते हैं, लब में जोड़ सकते हैं, तो एल और ओ एक दूसरे के विपरीत होंगे और वी ई ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है भाई, लब कहने से, ठीक। उसके बाद में हम आई आर को जोड़ सकते हैं, आई आर, आई आर मतलब इंडियन रेलवे, तो आई आर एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद हम हाई स्कूल को जोड़ सकते हैं, एच और एस एक दोनों के क्या होंगे भाई, ये विपरीत होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें एच आ गया, एच आई जे को देख लें, तो जे और क्यू, जे कैन क्यून है ना, ताश के पत्तों में, तो यहां पर ये आ गया जे और ये क्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद अगर हम देखें के को देखें, तो के मतलब कानपुर से याद रखते हैं, केपी मतलब कानपुर, केपी मतलब क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, है ना। और एम एन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर, विपरीत अक्षर वाली बात भी अपनी क्लियर होगी, ठीक है भाई। इतनी बातें सबको समझ में आ गई विपरीत वाली, ठीक है, चलो विपरीत अक्षर हमें निकालना आ गया। अब इसमें हम अपने कुछ मेन टर्म्स जो यूज होती हैं, जो मुख्य बातें हैं उन पर आते हैं, ठीक है ना, जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। नंबर पहली जो अपनी मुख्य बात है, ठीक है, बहुत ही काम की बात है और इसको याद रखेंगे। देखो क्वेश्चन में आता है ठीक बाएं, क्या आता है, ठीक बाएं, दूसरा आता है ठीक दाएं, क्या आता है, ठीक दाएं। पहले हम इन दोनों बातों को समझते हैं, ठीक है।
अगर आपसे ठीक बाएं के लिए पूछा जाता है या ठीक दाएं के लिए, तो इस बाएं का मतलब है कि जिस लेटर के भी आपसे ठीक बाएं या ठीक दाएं पूछा जाएगा, तो बाएं का मतलब है जिस लेटर से पूछा जाएगा उससे ठीक पहले कौन सा लेटर आया है वो बताना है, और ठीक दाएं के लिए पूछा जाएगा तो उस लेटर के ठीक बाद कौन सा लेटर आया वो बताना है। मतलब हम अगर चाहें तो यहाँ पर ठीक बाएं, बाएं जहाँ भी आएगा तो बाएं उस लेटर से, बाएं का मतलब होता है पिछले पीछे की तरफ आना और दाएं का मतलब होता है आगे की तरफ जाना। तो पीछे की तरफ आएंगे तो उसे माइनस करेंगे, और जो है मतलब बाएं तरफ आएंगे तो उसे माइनस करेंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो हम उसे प्लस करेंगे। तो ठीक बाएं का मतलब जिस भी अक्षर के पूछा जाएगा तो उस अक्षर का जो भी क्रम होगा, उस अक्षर का जो भी क्रम होगा जिसके ठीक बाएं या जिसके ठीक दाएं पूछा जाएगा, तो ठीक बाएं के लिए हम माइनस बंद कर देंगे, और ठीक दाएं अगर पूछा जाएगा तो जिस अक्षर से भी पूछा जाएगा उस अक्षर के क्रम में हम प्लस बंद कर देंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ई के ठीक बाएं तथा ठीक दाएं कौन सा लेटर होगा, ठीक है ना, मतलब ई के ठीक बाएं भी बताना है और ठीक दाएं भी बताना है। तो अगर पहली बात करें हम ठीक बाएं की, किसकी बात करें, ठीक बाएं के लिए अगर हम बात करेंगे तो ई का जो कोड होता है वो 5 होता है, बाएं के लिए माइनस करेंगे, ठीक के लिए 1 करेंगे, बराबर क्या आ गया 4, और 4 पे कोड किसका होता है डी का, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना डी। दूसरे पर अगर बात करें भैया ठीक दाएं बता दीजिए, तो ई का कोड 5, ठीक है ना, ई का कोड 5, दाएं के लिए प्लस, ठीक के लिए 1, बराबर क्या हो गया 6, और 6 कोड किसका होता है एफ का होता है। बोलो ये बात समझ में आ गई, ठीक बाएं और ठीक दाएं वाली बात समझ में आई नहीं भाई, बोलो जल्दी। ठीक इसी तरीके से करना, दोनों टर्म्स क्लियर हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चाहो तो आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, कैसे देख लेंगे, देखो यहां से मैं लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ, है ना। अगर मैंने पूछा ई के ठीक बाएं, बाएं का मतलब उससे ठीक पहले कौन आया भैया डी, ठीक दाएं मतलब उसके ठीक बाद कौन आया भाई एफ, इसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे। बोलो बात समझ में आ गई नहीं, चलिए अगली जो टर्म्स है वो है आपके बाएं, आपके बाएं से और आपके दाएं से, ठीक है। नंबर तीसरी जो टर्म्स है उसमें देगा कि आपके बाएं से, बाएं से, और चौथी देगा आपके दाएं से, ये वाली बात आएगी आपके बाएं से और आपके दाएं से, ये वाली बात। तो देखो अक्षरों का जो बायां है वो अपना बायां है, अपने बाएं से अक्षरों का बायां, अपने दाएं से अक्षरों का दायां। तो आपके बाएं से अगर पूछता है हमारे बाएं से, तो इसका मतलब यह है कि वो ए टू जेड हमसे पूछना चाहता है, ए टू जेड, तो ए से बढ़ते हुए जेड की तरफ जाना है, ठीक है। आपके दाएं से जब पूछेगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हमें जेड टू ए लेके जाना है, जेड टू ए लेके जाना है। बोलो बात समझ में आई, क्लियर, खत्म, है ना। चलिए नंबर 5 जो है, नंबर 5 तो आएगा दाई ओर और एक आता बाई ओर, तो नंबर 5 है बाई ओर पहले आता है, बाई ओर, और नंबर 6 है दाई ओर, ठीक है, एक बाई ओर पूछेगा और एक दाई ओर के लिए पूछेगा। तो बाई ओर का मतलब है कि भाई बाई ओर चलो, इस ओर का मतलब होता है दिशा की तरफ जाता है ना, दिशा को इंडिकेट करता है ना। अब बाई ओर का मतलब है कि दाई ओर से बाई ओर चलो, तो दाई ओर से बाई ओर का मतलब होता है जेड टू ए, ठीक, दाई ओर चलो, तो दाई ओर चलने का मतलब है कि बाई ओर से दाई ओर चलो, और ये होता है ए टू जेड का, किसका होता है ए टू जेड का। बोले वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई, चलिए खत्म करते हैं इसको भी। अब इसके आगे जो भी बात आई है ना, बाई ओर दाई ओर के लिए होगी, एक आता है के बाएं और के दाएं, ये बहुत काम की है, एक आता है के बाएं
और एक आता है के दाएं, ठीक है, के बाएं या के दाएं अगर वो आपसे पूछता है तब क्या होगा? तो के बाएं और के दाएं किसी भी अक्षर की पूछेगा कि भैया ई के बाएं तीसरा, ई के दाएं तीसरा, इस तरीके से पूछेगा। तो इस जो के का जो मतलब होता है ना, इस के का जो मतलब होता है, तो इस के का मतलब होता है क्या भाई? इस के का मतलब होता है उस लेटर को छोड़ते हुए, उस लेटर को छोड़ते हुए। और यहां भी वही मतलब होगा, बाएं के लिए प्लस, सॉरी बाएं के लिए माइनस और दाएं के लिए प्लस, ये तो हम करते आए हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया ई के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, ई के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, आपको रटना बिल्कुल नहीं। यहां पे तीसरा, और तीसरा का मतलब होगा तीन, ठीक है ना। ई के पूछा है तो ई का कोड होगा अपना क्या भैया, पांच। बाया पूछा है तो माइनस, तीसरा पूछा है तो तीन, बराबर आया दो, और दो किसका कोड होता है, बी का। तो ये अपना आंसर हुआ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लें पूछा जाएगा ई के दाएं तीसरा कौन सा होगा, ई के दाएं तीसरा कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो तीसरा मतलब तीन, दाया मतलब प्लस, यहां पे जैसे बाया क्या रहता है तो बाया अपना माइनस रहता है, ऐसे दाया प्लस। ई का कोड क्या होता है, पांच, दाएं के लिए प्लस, तीसरा के लिए तीन, बराबर आ गया आठ, और आठ जो होता है वो किसका होता है, एच का होता है। तो यहां पर ये अपना आंसर होगा इस तरीके से अगर आता के बाएं या के दाएं से, ठीक है भाई, क्लियर, ठीक। इसके बाद जो अगली टर्म्स आती है, बस ये अपनी टर्म्स खत्म होने वाली। देखो हर किसी टॉपिक की नींव अपनी होती है, अगर वो नींव ही अगर बिल्कुल बढ़िया ना हो, बढ़िया तरीके से हम उसकी बातें ना समझते हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो हम अपना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, है ना। बोलो यहां तक क्लियर है भाई? चलिए अब एक टर्म्स और बची है, से बाएं और से दाएं। क्या बची है अभी? से बाएं और से दाएं और बची है, से बाएं और से दाएं, ये वाली बात और जान लो और कहानी खत्म। तो अभी जैसे के का मतलब था उस लेटर को छोड़ते हुए, इसमें ऐसी से का मतलब है उस लेटर को लेते हुए। हम उस लेटर को भी काउंट करेंगे जिस लेटर के, जिस लेटर से बाएं और जिस लेटर से दाएं पूछा जाएगा उस लेटर को भी हम काउंट करेंगे। तो भाई हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन आया कि भैया ई से, ई से बाएं तीसरा कौन सा होगा, ई से बाएं तीसरा क्या होगा? तो देखो तुम्हें बाएं के लिए माइनस और तीसरा के लिए तीन, ठीक है। ई के लिए क्या हो गया भैया, ये पांच, बाएं के लिए क्या हो गया माइनस। अब जैसे कि के बाएं और के दाएं में आप ये तीसरा की तीन संख्या उठा के लाते थे, तो ये आपको तीन संख्या नहीं लेके आनी, इस तीन में से आपको एक कम करके लाना है, तीन में से एक कम कर देना। मैं इसको तीन माइनस एक करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, ये दो। तो यहां पे तुम्हें क्या लिखना है, ये दो लिखना है, और दो लिखने के बाद में क्या आएगा आपका, तीन, और तीन किसका होता है भाई, तो तीन होता है आपका सी का, किसका होता है सी का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक। ऐसी वो पूछ सकता है कि भी ई से दाएं तीसरा कौन सा होगा, ई से दाएं जब तीसरा पूछेगा तो तीसरे में हमें यहां पर फिर वही काम करना है, तो यहां पर हमें तीन माइनस एक करना है बराबर दो करना है, ई के लिए पांच, दाएं के लिए प्लस करना है, और यहां पर तीन ना करके हमें दो करना है, बराबर कितना हो जाएगा सात, और सात कोड किसका होता है, जी का होता है। तो यहां पर आंसर होगा अपना ये। बोलो बात समझ में आई भी सारी? नहीं, क्यों भी? तो ये यहां पर अपनी जो बेसिक चीजें थी वो अपनी यहां पर खत्म होती है। अब किस तरीके से क्वेश्चन आता है इस वर्णमाला में वो मैं आपको कराना शुरू करूंगा, है ना, क्योंकि बेस अगर क्लियर होता है तभी जाकर अपनी बात बढ़िया होती है। पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ये सारी बातें अपनी बिल्कुल खत्म हो गई। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होगा और पहला क्वेश्चन मेरे लिए होगा, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा, उसे आप सोल्व करेंगे। पहला मैं क्वेश्चन एक पूरा लिख देता हूं
उसके बाद उसके बारे में आपको बताने के बाद अगला क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे, आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है भाई, जैसे देखिए भाई क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन पहला नोट करिए आप, क्वेश्चन पहला ठीक है, लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, आ भी रहा है कि नहीं, चलो इधर लिख लेते हैं, बाएं से तीसरे के दाएं चौथा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है भैया कि अंग्रेजी बड़वाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं चौथा होगा, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक, पहला क्वेश्चन मेरे लिए बात का, अगला क्वेश्चन आपके लिए। मैंने क्वेश्चन शुरू हुआ है बाएं से, कहां से शुरू हुआ भैया, बाएं से। तो देखो ये इसमें हम जो पढ़ेंगे ना वो ये अपना अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, और आठ सीरीज पढ़ाऊंगा। कितनी सीरीज पढ़ाऊंगा आपको, आठ सीरीज इसमें हमें पढ़नी है ना। ठीक, आठ सीरीज में से ये अपनी पहली सीरीज शुरू होती है। बाएं से की बात हुई तो ए बी से चलते हुए हमें कहां पर जाना है, जेड बाई पर जाना है। ठीक है भाई, अपना ए बी से चलते हुए कहां पर जाना है, बाई जेड पर जाना है। तो ये अपनी नंबर एक की सीरीज हुई। ठीक है, क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं इसकी लैंग्वेज क्या है, तो बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा मान लो भी यहां पर होगा, बाएं से तीसरा। ठीक है, के दाएं, के दाएं, ये बोई वाली टर्म से जो अभी हमने यूज करी है, के दाएं, तो के दाएं का मतलब है कि यहां से भी क्या होगा भैया, ये चौथा। तो इस लेटर पे जो पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे जो लेटर होगा वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, इस वाली पोजीशन पे जो भी लेटर होगा वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो हम ये तो है नहीं कि भाई हर बार क्वेश्चन आए तो हम उसका मैप बना दें, बिल्कुल नहीं बनाएंगे भाई। क्यों, कैसे सोल्व करेंगे देख लो मेरे तरीके से, है ना। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हमें देखना है इसमें जो इसकी स्थिति आएंगी, इसमें क्या देंगे, इसकी स्थिति दी होती है ना, स्थिति मतलब पोजीशन दी होंगी, उन पोजीशन को हमें जानना वो कौन कौन सी होती हैं। देखो कौन कौन सी, एक तो पोजीशन हो सकती है बायां और बायां, बायां है ना, और क्या हो सकती है, बायां। एक पोजीशन हो सकती है दायां और दायां, एक पोजीशन हो सकती है बायां और यहां हो सकता है दायां, अगली पोजीशन हो सकती है यहां पे दायां और यहां पे क्या होगा, बायां। ये चार पोजीशन अपनी आती हैं, चार स्थिति आती हैं जो यहां से अपने क्वेश्चन बनाती हैं, चार स्थिति आती हैं। ठीक है, अगर मान लो वो बाएं और बाएं की बात करेगा तो हमें उसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। दाएं से दाएं की भी बात करेगा तो भी माइनस करना होगा, बाएं से दाएं की बात करेगा तो प्लस करना होगा, दाएं से बाएं की बात करेगा तो भी प्लस करना होगा। मतलब जब भी विपरीत स्थितियां उसने दी होंगी, जैसे कि बायां दायां, दायां बायां दोनों अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तो हमें करना होगा प्लस, और जब भी बायां बायां दायां दायां पूछेगा तो हमें करना होगा माइनस। बोलो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है अभी, ठीक है। चलिए तो ये मैं इसको लिखे रहने देता हूं। अब उसके बाद में क्वेश्चन कहां से करें भाई, एक दायां यह है और एक बायां यह है, तो हम बात करेंगे तो क्वेश्चन जो शुरू होगा वो अपना बाएं से, जो अपनी टर्म्स अपने पहले दी होगी, जो टर्म्स अपनी पहले दी होगी, जो स्थिति अपनी पहले दी होगी, उसी स्थिति से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। कैसे, बाएं से कौन सा दे रखा भैया, तो बाएं से तीसरा, बाएं से क्या दे रखा है, तीसरा, तो बाएं से तीसरे को हम तीसरे को लिखेंगे। अब आगे क्या दिया है, दाएं चौथा, तो बायां दायां, बायां दायां क्या करोगे, प्लस, कौन सा नंबर प्लस करोगे, चार, बराबर क्या आ गया, सात। अभी जो सात है वो बाई ओर से है कि दाई ओर से, ये हमें जानना है। तो देखो यहां पर क्या लिखा भाई, ये बाई ओर से लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जब बाई ओर से शुरू होगा तो ये स्थिति बाई ओर से होगी, जब क्वेश्चन दाई ओर से शुरू होगा तो ये स्थिति दाई ओर से शुरू होगी, ये आपको दिमाग में बैठाना है। तो ये स्थिति बाई ओर से है, और बाई ओर से स्थिति हमें निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर ये स्थिति दाई ओर से होती तो हम बिल भी निकाल लेते, क्योंकि हमने सीख लिया है। तो इसका मतलब जो अपना आंसर होगा वो जी होगा, और क्वेश्चन का आंसर अपना जी, खत्म, क्वेश्चन हुआ। ठीक है,
बोलो बात समझ में आई? ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं ये चेंज करता हूँ, ठीक है, ये चेंज मैंने कर दिए। मैंने पूछा भाई बाएं से दसवें के दाएं ग्यारहवा कौन सा लेटर होगा, दाएं ग्यारहवा जो लेटर होगा वो कौन सा लेटर होगा, ग्यारहवा, ठीक है भाई। चलिए, बाएं से दसवें के दाएं ग्यारहवा क्या होगा, तो फिर क्वेश्चन बाएं से ही है, तो बायां हो गया और यहां पे दायां हो गया, तो बायां दायां दोनों प्लस हो जाएंगे, यहां से 10, यहां से 11 और बराबर 21। अभी जो 21 है वो बाएं से ही शुरू हुआ है, बाएं से जब शुरू हुआ है तो बाएं से 21, और बाएं से 21 कौन होता है भैया अपना, बाएं से 21 होता है यू, तो आंसर हो जाएगा अपना यू, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं, और ले लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन लेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाएं से पूछा उसने, तो अभी हम बाएं से यहां पर लिख सकते हैं बाएं से 15वां, और दाएं से हम लिख सकते हैं भैया दाएं से 7वां, ठीक है ना। तो बताना है कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 7वां होगा, लैंग्वेज दिमाग में बैठा लो। तो ठीक, यहां से आया 15 और प्लस 7 और 15 7 होता अपना 22, और 22 जो कोड होता है वो बी का होता, तो आंसर क्या आ गया, बी। बोलो बात समझ में आ गई नहीं, क्यों भाई, बाएं से बिल्कुल स्थिति क्लियर है। ठीक, अब देखो यहां से हम इसे टर्म्स को चेंज करते हैं, यहां से टर्म्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब अब भैया हम इस तरीके से क्वेश्चन दाएं से लेके आते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से, ये रहने देते हैं, 15 के बाएं 7वां होगा, ठीक है भाई। तो स्थिति तो इसमें भी विपरीत है, यहां पर बायां है और यहां पर दायां है, तो प्लस तो हो गई, तो 15 और 7 बराबर क्या हो गया, 22। लेकिन 22 को आप बी मानकर आंसर मत देना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है वो क्वेश्चन आपका दाएं से शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, दाएं से, तो ये स्थिति कहां से होगी, ये स्थिति दाएं से है, तो ये स्थिति दाएं से 22 भी है, तो बाएं से कौन सी होगी, ये निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये इस स्थिति को हम किस में से घटा देंगे, 27 माइनस 22, 27 में से घटा दे टोटल प्लस 1, तो 27 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 5 कोड किसका होता है, ई का, तो अपने आंसर हो जाएगा इसमें भैया ई। बोलो बात समझ में यहां तक, क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये शायद ना समझ में आया हो इतनी जल्दी से, चलिए आ जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। तो दाएं से 12वें के बाएं, ठीक है, के बाएं 8वां कौन सा होगा, ठीक है ना, तो दाएं से 12वें के बाएं 8वां कौन सा होगा ये बताना है। तो फिर से दाएं और बाएं दोनों अपोजिट हैं, तो 12 और प्लस 8 और बराबर 20। लेकिन ये जो हमने 20 लिखा है ये दाएं से है, क्योंकि यहां पर स्थिति कौन सी दी है, ये दाएं वाली दी है, तो दाएं से 20वां है, तो बाएं से निकालने के लिए क्या होगा, 27 माइनस 20 बराबर आया 7, और 7 होता है जी का। बोलो आंसर समझ में आया नहीं भाई, तरीका समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन ये हुआ, अब यहां से इसमें दो सेम स्थितियों से और कर देते हैं, तो ये चारों बात आपको समझ में आ जाएंगे, है ना, ये चारों बात आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहां से पूछता हूं भैया, कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, बाएं से 18वें के बाएं 8वां होगा, ठीक है भाई, तो कौन सा अक्षर जो है वो बाएं से 18वें के बाएं 8वां होगा ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन की स्थिति कहां से है अभी, क्वेश्चन की स्थिति बाएं से है, तो बाएं से होने का मतलब अभी ये भी बायां है और वो भी बायां, दोनों माइनस हो जाएंगी, तो हम 18 में से 8 घटा रहे होंगे तो आ रहा होगा 10, लेकिन 10 बाएं से है और बाएं से अपना सीधा क्रम होता है, और 10 जो कोड होता है वो जे का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो हम इसमें चेंज कर लेते हैं, यहां से वो तो रहने देंगे, बाएं से ही करेंगे, तो यहां से हम लिख लेंगे 15 और यहां से हम क्या लिख लेंगे, यहां से हम लिख लेते हैं, चलो 7 लिख लेते हैं ना, बाएं से 15वें के बाएं 7वां होगा, तो दोनों बाएं बाएं हैं, तो क्या करेंगे भैया, 15 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 8
और आर्ट कोड किसका होता है? एच का। क्वेश्चन क्लियर है ना? अपनी लैंग्वेज ये याद रखनी है आपको लैंग्वेज, और अपने लैंग्वेज याद रहेगी तो आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये मत सोचना कि भाई साहब ने भाई दो तीन क्वेश्चन करा दिए, भाई अपने माइंड में ये चीजें डेवलप करो और एक क्वेश्चन अपने आप बनाओ, कहानी खत्म। ठीक है ना? तो इसका क्वेश्चन आंसर ये हो गया। अब मैं इसको फिर से चेंज करता हूं। अब ये हम दाएं दाएं से पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं? दाएं दाएं से पढ़ते हैं। ठीक है, दाएं दाएं से पढ़ेंगे तो कौन सा अक्षर? दाएं से, पंद्रहवें के दाएं सातवां होगा। पहला हम इसी को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वहां भी दाया, यहां भी क्या आया? दाया। और यहां भी क्या आया? दाया। तो जब दोनों स्थिति दाएं दाएं से होंगी, दोनों सेम होंगी तो घटाएंगे, तो पंद्रह में से सात घटा देंगे। तो पंद्रह में से सात घटाएंगे तो पंद्रह में सात घटाने का मतलब आठ। लेकिन आठ पे एच को आंसर मत देना। क्यों? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये स्थिति कहां से है? ये स्थिति है तो आपकी दाएं से। अब दाएं से हमें कभी भी आंसर नहीं देना, आंसर जो हमें देना है वो बाईं ओर से देना है। जब आपको दाएं से पोजीशन पता है, क्या आप बाएं से उसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते भाई? क्यों? निकाल लेंगे ना। तो हम टोटल प्लस वन, 27 में से आठ घटा रहे होंगे, 27 में से आठ घटा रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा 19। और 19 पे जो अक्षर होता है वो एस होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? नहीं, चलिए यहां से अगर हम एक क्वेश्चन और बना लें भाई, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। ठीक है, वो तो दाएं से रहने देते हैं। अब क्वेश्चन यहां से बना लेते हैं कि यहां से 19 और यहां से हम बना लेते हैं 11 लिख लेते हैं कि कौन सा अक्षर जो है दाएं से 19 बे के दाएं 11 होगा। फिर से माइनस करेंगे तो 19 माइनस 11 और बराबर क्या हो जाएगा? 8। फिर से 8 आ गया। ठीक है ना? और 8 को हम क्या करेंगे? फिर से माइनस करेंगे, फिर से क्वेश्चन वही बन गया। चलो कोई बात नहीं। तो 27 माइनस 8 बराबर 19 और 19 पे अपना क्या आ जाएगा? मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं ये बताओ? क्यों भाई, कर लेंगे? चलिए आज के लिए हम इसमें इतना ही रहने देते हैं। और इसमें मैं आपको बिंदास से बिंदास क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, अभी तो हम ये केवल दो ही पोजीशन की स्थिति हमने पढ़ी है, बेसिक चीजें जानी है। मैं आपको मोर देन टू पोजीशन के भी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, है ना? जैसे बोल देगा अंग्रेजी बड़वाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19 बे के बाएं 12वां, के बाएं तीसरा, के दाएं सातवां, के दाएं आठवां, मतलब मोर देन टू पोजीशन वाले जो होंगे वो क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, बिल्कुल मस्त और बिंदास, है ना? तो आपको कैसा लगाया है ये सेशन, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जो है मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।